हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था MPSE 001 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज वर्ल्ड व्यू। एंड हमने दो तीन टॉपिक कुछ कवर किए थे। एंड इन दिस वीडियो वी विल सी सम अदर टॉपिक्स। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे रियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन क्या होता है। तो दो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस होते थे इंटर स्टेट रिलेशन में इंडिया के सिंस द बिगिनिंग। सो द पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इज एडवोकेटेड फॉर एग्जाम्पल इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौतल्य एज वेल एज ऑफ भरद्वाजा इन मनुस्मृति इन सम पोर्शन डीलिंग विद द टीचिंग ऑफ पंचतंत्र। While this realist thinker differ over the means to be employed, they generally believe that both defense of kingdom, तो जो पंचतंत्र होता था और जो realistic thinker होते थे वो कहते थे कि जो kingdom होता है and जो defense होता है kingdom का, वो और aggressive war नहीं होना चाहिए, और वो अगर हम कर रहे हैं तो it should be the last option for us if we used to conquer the whole world as just they hold the war should be that is the last resort। and जो हमें जो वार होते हैं नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इमोरल होते हैं, इसीलिए नहीं, लेकिन इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड ट्रबलसम एंड विक्ट्री इज़ नॉट सर्टन। तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, ट्रबलसम होते हैं, मतलब जिसको हमें मतलब वो वार में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं अननेसेसरीली, एंड विक्ट्री भी सर्टन नहीं होती है। पंचतंत्र फॉर इंस्टांस सेज दैट रॉयल पॉलिसी हैज़ पीस, और पंचतंत्र कहता है कि अगर हम पीस करें, मेंटेन करेंगे तो इट विल बी अ बिगिनिंग, और अगर हम वार स्टार्ट करेंगे तो दैट वुड बी दी एंड। ऑन दी अदर हैंड, फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल अ स्कूल ऑफ फिलोसफी हैज़ एग्जिस्टेड इन इंडिया विच मेंटेन दैट पिनेंस, सेल्फ एब्निगेशन एंड नॉन इंजरी आर द मीन्स टू गेट रिड ऑफ सिंस। का सिंस मतलब होते हैं जो हम पाप करते हैं वो। सो ये जो पिनेंस, सेल्फ एब्निगेशन एंड नॉन इंजरी, इससे हम गेट हमारे जो सिंस है उसे गेट रिड कर सकते हैं, सिक्योर सेल्वेशन, और सेल्वेशन भी हम पा सकते हैं। और जो उपनिषद है उसमें काफ़ी थेरीज देकर है नॉन वायलेंस की, देर इज़ वन अनडिवाइडेड एंड इंडिविजिबल स्पिरिट विच इज़ मे बी गॉड और ट्रूथ, द यूनिवर्स इज एक्सप्रेशन ऑफ इट एंड ऑल बींग फॉर्म पार्ट ऑफ इट। सिंस परफेक्शन कंसिस्ट इन रियलाइजिंग दिस ट्रूथ, एनी काइंड ऑफ वायलेंस वुड बी अ रेपिडिएशन ऑफ द ट्रूथ। द बुद्धिस्ट एंड द जियंस आर मोस्ट फर्वेंट एडवोकेट्स ऑफ नॉन वायलेंस, ऑल द नॉन वायलेंस इज एक्सपेक्टेड। तो जो बुद्धिस्ट है, जैंस है, वो काफ़ी नॉन वायलेंस के मतलब वो वायलेंस को अपोज करते हैं और नॉन वायलेंस के साथ रहते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जो ज़्यादातर प्रैक्टिस करता है नॉन वायलेंस वो रहते हैं मॉन्क। ऑन द होल दे डिस्करेज मैकेलियन पॉलिटिक्स एंड डिगेमिलराइज वार। महायान सूत्र द सुवर्ण प्रभा सोतमा कंडेम्स ऑल वारफेयर एज सीनफुल, और ये कहते हैं कि जो भी वार होता है वो सीनफुल होते हैं, पाप होते हैं। वन अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट, जब अशोका बुद्धिस्ट बने तो उन्होंने काफ़ी वार लड़े थे, पहले जीते भी थे, लेकिन एट अ पर्टिकुलर वॉर दैट इज़ कलिंगा वार, तो तब उन्हें लगा कि बहुत सारा ब्लडशेड हुआ था, तो तब उन्होंने वार को छोड़ दिया और एक काफ़ी पीसफुल नॉन अग्रेशन लाइफ उन्होंने उसके बाद जी, और उन्होंने काफ़ी बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसे काफ़ी फैलाने की कोशिश भी की, और जो उनके पास के नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी अच्छा पीसफुल रिलेशन मेंटेन किया। देन द आइडियलिस्ट मेथड हैज़ इट्स लिमिटेशन, तो आइडियलिस्ट जो मेथड थी जिसे फॉलो किया था उसके काफ़ी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि इंडिया को कुछ कॉस्ट देना पड़ा उसमें, जब गोवा के साथ हुआ था 1961 में वार, चाइना के साथ हुआ था 1962, और पाकिस्तान के साथ जो भी दो तीन वार लड़े गए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और इंडिया ने हर बार ट्राई किया कि वो पीसफुल तरीके से निगोशिएट कर सके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड फ्रॉम द फेलियर टू प्रिवेंट वार इट लर्न दैट द रियलिटी ऑफ पावर शुड बी टेकन इन टू अकाउंट अलॉन्ग विद द नॉन वॉलेंट अप्रोच, और नॉन वॉलेंट अप्रोच से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। देन नेहरू जी ने कहा था कि ही ड्रिव हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम गांधी जी, तो उन्होंने उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, गांधी जी से ली है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो ऐसे मास्टर को फॉलो करते हैं जिनके जो भी आइडियाज़ है वो प्रैक्टिसिएबल हो, मतलब हम उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सके, और जो मास्टर है उन्होंने भी मतलब उसे प्रैक्टिस किया हो।
द रियलिस्ट कंपोनेंट इन इंडिया वर्ल्ड व्यू गॉट स्ट्रेंथन आफ्टर द चाइनीज अग्रेशन ऑफ 1962 एज नेहरू हिमसेल्फ एडमिटेड इन द पास्ट आवर प्री ऑक्यूपेशन विद द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी वॉज सच दैट वी वेयर कंटेन टू असाइन अ रिलेटिवली लो प्रायरिटी टू डिफेंस रिक्वायरमेंट इन द कन्वेंशनल सेंस. तो कि हमारे पास जो डिफेंस था हमारे पास प्रॉपर डिफेंस नहीं था एट दैट टाइम इन 1962. नॉट सरप्राइजिंगली इंडियाज वर्ल्ड व्यू आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन हैज़ बीन लेस डॉक्ट्राइन एंड मोर रियलिस्टिक डिस्पाइट द कंटिन्यूएंस ऑफ इट्स ब्रॉड आइडियोलॉजिकल मोरिंग देन अब्सेंस ऑफ इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशन. अनादर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इज एब्सेंस ऑफ इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशन. तो हमारे इसमें क्या एब्सेंस था? इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशन एब्सेंस था, दैट इज कल्चरल इंपीरियलिज्म. और जो बड़े बड़े थिंकर्स थे जैसे कि कौतल्य, मनु बोदयाना और जैसे कि इन लोगों ने कहा कि हमने जो हमारी इंडिया की बाउंड्री उसे एक्सटेंड नहीं किया है ज्योग्राफिकली विच दो वैरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम अल्टीमेटली इट केम टू मीन द कंट्री स्ट्रेचिंग फ्रॉम हिमालयस. और जो हमारी जो कंट्री की बाउंड्री है वो हिमालय से सदर्न सी और वेस्टर्न सी टू ईस्टर्न सी है. जो कौतल्य की अर्थशास्त्र और समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन से भी हमें ये पता चलता है कि जो हमारी बाउंड्री अब सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही सीमित है. और महाभारत में भी हमें बताया गया कि जो हमारा एम्पायर है उसे हमने बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लिमिट कभी एक्सटेंड नहीं किया. Likewise, the concept of Chakravarti, that is supreme ruler dispensing justice and maintaining peace, was envisaged only for the geographical and cultural defined part of the country. तो सिर्फ ये जो word था, concept था, वो particular geographical और cultural part में ही था. Similarly, though Buddhist literature speak of a world state ruled by one person, such rule should be established by love and not by force. और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थे उन्होंने भी कहा कि जो हम किसी के ऊपर रूल करते हैं वो बाय फोर्स नहीं कर सकते, हमें प्यार से उनको रूल करना चाहिए. लॉर्ड बुद्धा कन्विंस ऑफ हिमसेल्फ एज चक्रवर्ती ऑफ दिस सॉर्ट देयर इज देयर फॉर नो एविडेंस ऑफ एनी अग्रेसिव वार वेज बाय द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट. और हिंदूज और बुद्धिस्ट ने कोई वार नहीं लड़ा था, हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है. और जो हिंदू सब बुद्धिस्ट साउथ ईस्ट एशिया श्रीलंका में गए थे वो भी सिर्फ ट्रेड और मिशनरीज के लिए गए थे, वो कोई इन्वेड या फिर कोई कॉन्कर करने नहीं गए थे. दे डिड नॉट गो देयर टू ड्रेन ऑफ देयर वेल्थ, या फिर वो उनकी जो वेल्थ है उन्हें ड्रेन करने के लिए अपने पास लाने के लिए नहीं गए थे. ऑन द कॉन्ट्ररी द इंडियन हु रूल्ड इन साउथ ईस्ट एशिया अंडरवेंट अ प्रोसेस ऑफ इंडिगनाइजेशन. They did not owe any allegiance to and were not controlled by by any power based in India. Then approach to international law. It was established in theory and practice in ancient India that there is the moral responsibility of king. तो हमारी काफ़ी सारी थियरीज में और प्रैक्टिस में भी है एशियंट इंडिया की जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किंग की, वो होता है कि सेफगार्ड करना द पर्सन ऑफ एन इनवॉय accredited to his court by other king. तो जो envoy दूसरा king जो हमारे court में agreed करते हैं envoy को, उसको safeguard करना. अगर उस king ने उसे मार दिया तो वो उसके धर्म के limit को cross करता है and उसे hell मिलता है, ऐसा मानना है. कौतल्यास अर्थशास्त्र endorses this view. The Ramayana shows that even और Ramayana में भी ये बताया है कि जो रावण जो रूलर था लंका का उसने रिस्पेक्ट किया डिप्लोमेटिक आइडिया ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनके भाई की के हनुमान को किल नहीं करना चाहिए, जो एक एम्बेसडर था श्री रामा का. देन मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ टू अलाउ सर्टन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू फॉरेन एमिसरीज. तो जो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है वो कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ देते हैं फॉरेन एमिसरीज को. और लेकिन कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने इसे भी वॉयलेट किया है, जैसे कि पाकिस्तान ने यूएस एम्बेसी को बर्न किया था 1980 में. ईरान ने भी जो अमेरिकन एम्बेसी पर्सनल है उसको हॉस्टेज किया था लॉन्ग टाइम के लिए. ऑन दी अदर हैंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्जर्व ऑल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़. मोर रिमार्केबल इज इंडियाज़ डीलिंग विद द रेफ्यूजीज़. और इंडिया ने हमेशा जो भी रेफ्यूजीज़ हमारे कंट्री में आए हैं उसे हमेशा हेल्प किया है, ना कि उसे मना किया है इंडिया में आने के लिए. जैसे कि जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को जब वहाँ ईस्ट पाकिस्तान के लोग रिवॉल्ट कर रहे थे तभी भी ईस्ट पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ के जो भी लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मार रहे थे और वहाँ पे युद्ध हो रहा था. तब ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो इंडिया में आए और वहाँ पे उनको इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी हेल्प
हेल्प की। देन दलाई लामा भी जो टिबेट के थे वो भी इंडिया में आए और यहाँ पे रहे। तो काफ़ी सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आते हैं और इंडिया उनकी हेल्प करता है। ओके, देन एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव आइडियाज़ थ्रू निगेटिव टर्म्स। तो हमारे ट्रेडिशन में कि हम लोग जो पॉजिटिव आइडियाज़ होते हैं उसे निगेटिव टर्म्स से रेफर करते हैं। जैसे पीस को हम बोलते हैं नॉन वायलेंस, डिफीट को हम कहते हैं नॉन विक्ट्री, एंड नॉन वन एज अगेंस्ट मैनी, नॉन आइडियलनेस एज अगेंस्ट एक्जर्शन, एंड नॉन ग्रज एज अगेंस्ट टॉलरेंस। तो ये कुछ वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। देन द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन अ नेगेटिव वे रिमाइंड अस ऑफ द फैक्ट दैट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फार रीचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड